सुपरस्टार विनोद खन्ना और महेश भट्ट बड़ी गहरी दोस्ती थी। विनोद खन्ना को रजनीश के आश्रम पहुंचाने में भी महेश भट्ट का ही हाथ था और महेश भट्ट के कहने पर ही विनोद खन्ना ने उनके भाई मुकेश भट्ट को अपना सेक्रेटरी बना लिया था। लेकिन मुकेश भट्ट पर एक बार विनोद खन्ना इतना भड़क गए थे कि उन्हें एक दो नहीं बल्कि कई थप्पड़ जड़ दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने सबसे अच्छे फ्रेंड के भाई पर ही भड़क गए थे विनोद खन्ना, जानिए पूरा मामला इस वीडियो में। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज में आपका स्वागत है। महेश भट्ट को पहले से ही आदत रही है लोगों की पर्सनल लाइफ में दखल देने। रिया चक्रवर्ती ही नहीं, अपने दोस्त विनोद खन्ना की लाइफ में भी वो अक्सर दखल दिया करते थे। दरअसल 80 के दशक में विनोद खन्ना का करियर एकदम पीक पर था। ऐसा माना जा रहा था कि जल्द ही विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़ देंगे, लेकिन इसी दौरान विनोद खन्ना की माँ की मौत हो गई। इस घटना से विनोद खन्ना बहुत दुखी थे। इस पर महेश भट्ट ने उन्हें आध्यात्म की ओर आने की सलाह दे दी और महेश भट्ट के उकसाने पर ही विनोद खन्ना उनके साथ ओशो रजनीश के आश्रम चले गए थे। कहते हैं उन दिनों महेश भट्ट का पूरा खर्च विनोद खन्ना ही उठाया करते थे। अपनी मर्सिडीज में महेश भट्ट को बैठाकर ओशो आश्रम ले जाया करते थे। खुद महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था, तब मेरे पास पैसा नहीं था, विनोद ही मेरी देखभाल करते थे और मेरी ट्रैवलिंग का खर्चा उठाते थे। इसके बाद विनोद खन्ना का रजनीश से भी मोह भंग हो गया और वो बॉलीवुड में वापस लौट आए और आते ही उन्होंने फिल्म इंसाफ से धमाकेदार वापसी भी की। महेश भट्ट इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे, इसलिए अपने भाई मुकेश भट्ट को प्रोड्यूसर बनाकर और विनोद खन्ना को लेकर फिल्म जुर्म की शुरुआत कर दी। जैसा कि अमूमन हमेशा होता है, भट्ट अपने स्टार्स को उनकी फीस देने में आनाकानी करते। फिर विनोद खन्ना तो उनके बेहद करीबी थे, तो भट्ट ब्रदर्स विनोद खन्ना को पैसा देने में भी आनाकानी करने लगे। विनोद खन्ना इस बात से बहुत नाराज हुए और शूटिंग के लिए भट्ट ब्रदर्स को लटकाने लगे और इस तरह फिल्म अटक ही गई। कहते हैं गुस्से में विनोद ने लगातार 40 दिन तक शूटिंग कैंसिल कराई थी। प्रोड्यूसर बनने से पहले मुकेश भट्ट शराबी हुआ करते थे और कोई काम धाम नहीं करते थे, बस शराब पीकर यहां वहां भटका करते थे। ऐसे में महेश भट्ट ने ही विनोद खन्ना से रिक्वेस्ट करके मुकेश को विनोद खन्ना का सेक्रेटरी बनवा दिया और इस तरह मुकेश भट्ट काफी दिनों तक उनका काम संभालते रहे। जब जुर्म से मुकेश भट्ट प्रोड्यूसर बने और पैसे ना मिलने की वजह से विनोद खन्ना ने उनकी फिल्म अटका दी, तो मुकेश भट्ट ने विनोद खन्ना के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। वो उनके खिलाफ पब्लिक में उल जुलूल स्टेटमेंट देने लगे। मीडिया में भी उन्होंने विनोद खन्ना के बारे में अनाप शनाप कहा। कुछ समय तक तो विनोद खन्ना शांत रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि पानी सर के ऊपर जाने लगा है, तो उनका गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया। आखिर एक दिन स्टूडियो में उनका मुकेश भट्ट से सामना हो ही गया। विनोद खन्ना इतने गुस्से में थे कि मुकेश को देखते ही उनके ऊपर थप्पड़ों की बौछार कर दी और विनोद मुकेश भट्ट को तब तक पीटते रहे जब तक कि कुछ लोगों ने बीच बचाव करके मुकेश भट्ट को छुड़वा नहीं दिया, जिसके बाद महेश भट्ट और विनोद खन्ना की दोस्ती टूट गई। महेश भट्ट जो खुद को विनोद खन्ना का बहुत अच्छा दोस्त बताते थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मैं विनोद के स्पॉट बॉय को हीरो बना लूंगा, लेकिन विनोद को अपनी फिल्मों में साइन नहीं करूंगा। बताया जाता है कि बाद में विनोद खन्ना ने अपने ही पैसों से जुर्म फिल्म को पूरा किया। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की एक अनकही दास्तान। इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के तमाम मजेदार वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्य न्यूज को। नमस्कार।